विश्व की जो 750-800 करोड़ लोग रहेंगे अभी हैं, उनसे 300-400 करोड़ लोगों की मार्केट हमारी मॉडल को डिपेंड कर रहा है। कोविन ऐप की मॉडल दुनिया में कहीं नहीं है। वैक्सीनेशन होने के सेकेंड्स के बाद आपकी टेलीफोन पे डाटा आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, ये कहीं नहीं है, भारत में है। भारत की स्ट्रीट वेंडर भी डिजिटल पेमेंट में लेन देन कर रहा है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि भारत की जो मार्केट साइज है, भारत की जो इमर्जिंग परचेजिंग कैपेसिटी है, इसके ऊपर भारत की जो बढ़ने की एस्पिरेशन है, सिर्फ IITians की नहीं, भारत की नई पीढ़ी के अंदर आगे बढ़ने की, नई करने की जो जिज्ञासा है, जो उमंग है, यह भारत को कहां तक पहुंचाएगा किसी को कल्पना नहीं है। इसको जितना जल्दी IIT की लीडरशिप समझ जाए, उतना जल्दी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। मेरा आज भी संदेह है कि आप समझ, मैं 10 घूमने के बाद कह रहा हूं, मैं आते ही पूछा पवन जी इसलिए बाजार के साथ कब जुड़ेगा, आपको सब आइसोलेशन में इनोवेशन देखने में बहुत इंप्रेसिव लगता है। करंडीकर जी मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने, उनकी वहां मैं गया था, जितने सारे उन्होंने मेरे को दिखाया, एक स्टार्टअप फूल डॉट कॉम यानी मंदिरों की फूल को इकट्ठा करके उसको अल्टरनेटिव लेदर के काम पे वो लेके आ रहे हैं। मैंने बोला ये उन बच्चों को पूछा, मैं फूल तक क्यों, बायोमास को तो भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, भारत में 600 मिलियन टन बायोमास है। उस बायोमास को अगर हम ठीक से मोनिटाइज करें, बायोगैस में कन्वर्ट करें, हम बायो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट करें, बायो लेदर में कन्वर्ट करें, उसकी मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट आएगा, रोजगार बढ़ेगी, ऑल्टरनेटिव मटेरियल आएगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट आएगा। लेकिन मार्केट में कब आएगा, ये फूल फूल में खेलते रहेगा, ये मेरे मन में जिज्ञासा है। ये सारा विषय सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, हो भी रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जब तक मार्केट में नहीं जुड़ेगी, और ये जो एक माइंडसेट है, और मेरे तो IITs के प्रति एक मैं अगर उसको मेरे उड़िया भाषा के शब्द में कहूं, शायद वो हिंदी में भी वही आता है, अभिमान है। माने पिताजी जब, या बड़े भाई या माँ से छोटा बेटा अपेक्षा रखते हैं, माँ बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, मेरे को नहीं दिया, इसको क्या कहा जाएगा, अभिमानी तो कहा जाएगा, अपेक्षा ही कहा जाएगा। IITian सब, मैं मद्रास IIT गया, IITM की रिसर्च पार्क गया, रिसर्च पार्क में मैंने देखा कि वहां लगभग 30,000 करोड़ की नेटवर्थ की कंपनी स्टेशन है, लेकिन वहां IITian नहीं है, IIT की फैकल्टी आप लोग हो वहां, IITian नहीं है वहां, कौन है, Tier 2, Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और क्या बना रहे, प्रधानमंत्री जी ने स्पेस पॉलिसी को रिफॉर्म किया, स्पेस विल बी नो मोर ए मोनोपोली ऑफ ए गवर्नमेंट एंटिटी, इट विल ओपन टू एवरीबडी, टू मार्केट। एक लड़के को मैंने देखा, कोई सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के 10-11 साल कैरियर करने के बाद फिनेंस की एक उसकी मित्र के साथ मिलके रॉकेट की 3D प्रिंटिंग से रॉकेट बना रहा है। और ये एस्पिरेशन उसके मन में है, जो न्यू स्पेस पॉलिसी को यूज करते हुए मैं लो ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च करूंगा। IITian नहीं था। अब IITian को आप लोगों की, वहां मैं जाता हूं तो एक पैरामीटर्स मेरे को समझाया जाता है कि हमारे एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, मेरा अपेक्षा ये प्लेसमेंट पैकेज 5-7 साल के लिए ठीक है। ऐसे ही कुछ मॉडल, आप द्रोणाचार्य हो, आप कृपाचार्य हो, आप भीष्म पितामह हो, हमारा भास्कर राम मूर्ति जी 5G बनाए हैं, भीष्म पितामह है ये,
लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य एक गलती किए थे, मेरा हिम्मत नहीं आप लोग गलती किए हो कहने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा निष्ठा हस्तिनापुर के साथ है, भले ही द्रौपदी का वस्त्रहरण होते रहे। ये जो R&D आ रही है, जो इनोवेशन रिसर्च की दुनिया हम बना रहे हैं, जिसकी अनडाउटेडली लीडर्स IITian से, मेरे कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन अपेक्षा ये है ये सोसाइटी के साथ कब जुड़ेगा। अगर Tier 2 Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के के मन में फायर है कि मैं 3D प्रिंटिंग में रॉकेट बना के लो ऑर्बिट और रॉकेट छोड़ के मैं स्पेस में नया स्टार्टअप बनूंगा, तब IITians कब आएंगे? ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मुंबई की इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी शुरू से ही एंटरप्रेन्योरियल फ्रेमवर्क में काम करता है, IITians भी काम करते हैं, अनेक IITians शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप की ओर गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ दिन वर्क एक्सपीरियंस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ये 23 IITs को आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनानी है। ठीक है, आज प्लेसमेंट और पैकेज के हमने एक पैरामीटर्स माना है, लेकिन आज आगे से 10 साल के बाद ये एक पैरामीटर होनी चाहिए, कितने इनोवेशन मार्केट में पहुंचा, मोनिटाइज हुआ, रेवेन्यू कितना कलेक्शन हुआ, कितने जॉब प्रोवाइडर बने, कितने जॉब आया। IIT इसीलिए बना था। ये सारे जितना 75 आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पे जो 75 इनोवेशन आज हमने देखा, सभी की पोटेंशियल है ग्लोबल स्पेस में जाने के लिए।